नमस्कार। तेरी है जमीन जो प्रथम इकाई थी, इनका हमने अच्छी तरह भावार्थ और समझ पाई और इसके आधार पर इस कविता का जो अभ्यास और स्वाध्याय है उसकी आज चर्चा करके आपको नोटबुक में अच्छी तरह लिखना है। तो आज हम इस कविता तेरी है जमी उसके अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा की और जा रहे हैं। अभ्यास पहला प्रश्न है, यह प्रार्थना छात्र को टेप रिकॉर्ड या मोबाइल के जरिए सुनाई और इसका समूहगान करवाइए। तो आप अपने मोबाइल पर इस कविता को YouTube के माध्यम से आप उसको अच्छी तरह सुन सकते हैं। तो आप घर बैठे यह कार्य कर सकते हो। तो YouTube में जाकर स्टैंडर्ड 8 और उसके बाद आपको हिंदी सेम 1 लिखना है तो यह कविता आपको वहाँ से मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो हमने अगले वीडियो में देखा तो हमारे मत से सृष्टि में सर्वोपरि भगवान है, क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया है और हमको प्राण दिए हैं और वो सब संकट को सब आफत को वह टाल सकते हैं। इसीलिए हम सृष्टि में सर्वोपरि भगवान को मानते हैं। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो आप अपनी तरह अपने विचार स्पष्ट करके इसका उत्तर दे सकते हो कि हम भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, हम तुम्हारी नज़र सदा हम पर रखना। और आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो हम सुबह और शाम दो वक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सुबह का समय और शाम का समय वह अच्छी तरह उस वक्त हम प्रार्थना कर सकते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो जो हिंदू लोग हैं वह मंदिर में जाते हैं, जो मुसलमान हैं वह मस्जिद में जाते हैं, जो सिख है वह अपने जो गुरुद्वार है वहाँ जाता है, तो जो अन्य लोग हैं जो वो आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। तो शब्दकोश यानी आपको तो शब्दकोश यानी स्वर या व्यंजन में जो पहले आता है शब्द उसको आप इसको शब्द में शब्दकोश में के क्रम में लिखना है। पहला शब्द है हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन, क्षमा, उज्जवल, मंदिर, दूध, स्वर और धरा। तो आपको इसको अच्छी तरह शब्द को पहले उसका जो व्यंजन और स्वर, तो पहले स्वर में जो आते हैं शब्द का प्रथम अक्षर उनको आपको ढूंढना है और उस तरह इस शब्द को उसको लिखना है। चौथा प्रश्न है, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। तो यहाँ पर सूरज का चित्र है तो आपको कोई पंक्ति याद आए तो आप लिख सकते हो। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला वाक्य है, मैंने कविता लिखी। तो मैंने कविता लिखी तो इसका आपको वचन बदलना है,
एक वचन का बहुवचन करना है। तो हमने कविताएं लिखी, मैंने, उसकी जगह क्या होगा, हमने कविता, तो कविताएं लिखी, तो हमने कविताएं लिखी। दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो वचन बदलना है वाक्य है वह यह मेरी किताब है। तो यह मेरी किताब है एक वचन है, उसका बहुवचन करना है ये मेरी किताबें है, यह का क्या हो गया ये। और तीसरा वाक्य है इसे लड्डू दे दो, तो इसे का, इसे लड्डू दे दो एक वचन का बहुवचन करना है तो क्या होगा, तो इसको लड्डू दे दो, इसे तो इन्हें, इन्हें लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो। और इसके बाद स्वाध्याय का प्रश्न है कवि ईश्वर से क्या क्या चाहते हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं, कवि किस से सबसे ताकतवाल, ताकत वाला मानते हैं क्यों, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं। तो आपको इस कविता के द्वारा उसका भावार्थ समझकर इनके उत्तर आपको अपनी तरह देना है। तो आज ये जो स्वाध्याय और अभ्यास की चर्चा की, इनको आपको नोटबुक में अच्छी तरह लिखना है, यह आज का गुरु कार्य है। अस्तु।